दरोगा जी के द्वारा स्थापित हुआ था, लमसम 1942 में ही हुआ। और इस मंदिर में कुछ भी नहीं था, ना कोई भक्त इसमें, ना पुजारी, इसकी व्यवस्था कैसे हो। फिर हम 2009 में इस मंदिर में आए। आप कैसे आए? बुलाया गया? मुझे बुलाया गया साईं मंदिर के लिए, अजय प्लाईबोर्ड द्वारा हम आए यहाँ पे। फिर यहाँ पर जो है हमने ये देखा, इस मंदिर की व्यवस्था कुछ नहीं है। इस मंदिर में हम आए, यहाँ मूर्तियाँ सारी खंडित थी। हम भक्तों को जोड़ करके मूर्तियों को बैठा ला, मूर्तियों बैठा, फिर भक्तों से ला करके इसमें ये टाइल वगैरह लगवाया। और इसमें कोई ना तो प्रसाद की व्यवस्था की गई, ना घी तेल की व्यवस्था की गई। लोग ये कह रहे थे हमने बनवा दिया, हमने बनवा दिया, ये बनवा दिया। लेकिन एक दो भक्त हमारे ऐसे हैं जो मेरा ख्याल रखते हैं, चार भक्त जो मेरे ऐसे हैं जो मुझे मेरा ख्याल रखते हैं। और आज तक का कोई ये नहीं कह सकता हम इसमें मंदिर में पंडित जी की तनख्वाह है या कुछ है। ये सिद्ध पीठ है, इसमें आपने देखा होगा ये पीपल का पेड़ है, इसमें उनके गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है, साक्षात बनी हुई है। और शिवलिंग नीचे रखा, उसमें ब्रह्म यज्ञ पवित्र धारण किए हुए हैं। ऐसी मूर्ति आपको कहीं भी नहीं उपस्थित मिल सकती किसी पेड़ में। कितने साल पुराना है ये? 100 साल के ऊपर हो गया, इससे कम नहीं है। सब ज्यादातर लगभग इतना ही ऊपर 100 साल मंदिर को हो गए। और ऊपर देखिए भोलेनाथ की तस्वीर बनी हुई है। मंदिर का नाम ये शिव मंदिर से ही ये प्रसिद्ध है, सत्ता चौकी शिव मंदिर। अच्छा, हाँ शिव मंदिर से प्रसिद्ध है। इससे जो है माँ शेरावाली हैं, दुर्गा जी हैं, राधा कृष्ण हैं, साईं बाबा भी हैं, हनुमान जी महाराज जी हैं। भाषण ना लो, इसे खाली तो करो।